बराला जी के कार्यकाल में हमारे यहाँ हमारे हलके का संपूर्ण विकास हुआ है। रोड से लेके, गलियों से लेके, सड़कों से लेके, पानी की समस्याओं से लेके हर प्रकार की समस्याओं का पूर्ण समाधान हुआ है। हमारे यहाँ रामनगर और आसपास के क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या थी, दो नहरों के बीच एक गंदा पानी गिरता था। सुभाष बराला जी विधायक बनते सबसे पहले वहाँ पे बनते ही सबसे पहले खूबसूरत पार्क का निर्माण करवाया, हर्बल पार्क का। हमारे लैट्रिन बाथरूम बढ़िया बनवा दिए सुभाष बराले को। पहले हमारे कच्चे मकान थे, मकान के अंदर पानी बढ़िया करता, ये बराला जी ने हमारे पक्के मकान बनवा दिए। मेरी बच्ची का जन्म हुआ जब यह बोल और सुन नहीं सकती थी और सुभाष बराला जी की कृपा से इसका ऑपरेशन हो गया और यह ऑपरेशन अब कामयाब हो गया, अब बोल भी सकती है और सुन भी सकती है। हाँ, यो जो सब पीछे मकान दिख रहा यो सुभाष बराले ने बनवाया, तो बहुत बहुत मदद करी मेरे को। श्री सुभाष बराला जी उन्होंने काफ़ी मेहनत मशक्कत करके इतों दे जिहड़ियां बहुत पुरानी पाइपां सी उन्होंने बंद करके नवीं पाइपां जिहड़ियां पवाइयां ने। उन्होंने यहाँ टोहाना के अंदर बहुत से पुल बनवाए हैं, लेकिन जो ये रेलवे रोड पे दोनों नहरों के ऊपर से बना है वहाँ पे हमेशा ही जाम की समस्या बनी रहती थी, अब वो जाम की समस्या बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आज के टाइम में बस स्टैंड देख रहे हो तो बहुत बढ़िया है, पहले यहाँ पे बहुत कीचड़ होया करता। हमारे स्कूल में गर्ल एजुकेशन की तरफ ज़्यादा फोकस किया गया है। शिक्षा के साथ साथ वो हमें स्किल इंडिया के बारे में बताते हैं, जैसे कि ब्यूटी एंड वेलनेस और पेशेंट केयर असिस्टेंट, जिससे बेटियों को आगे भविष्य में अच्छा रोजगार प्राप्त होगा। मैं बहुत थैंकफुल हूँ सुभाष बराला जी की, जिन्होंने हमारे क्षेत्र टोहाना में कॉलेज में फर्स्ट टाइम साइंस स्ट्रीम शुरू करवाई है। इस बार की सरकार में हमें साफ पानी पीने को मिला, गैस चूल्हा मिला, सुविधा होगी, सरकार ने बढ़िया कर दिया। फसलों के दाम अच्छे मिल रहे हैं, अच्छा टाइम पे बिक रही है। बिना पैसे की मतलब मिल चुकी है मुझे नौकरी, मैं सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। महिला सुरक्षा के मुद्दे को अगर हम लेके चलते हैं तो हाँ, आज हम फील कर सकते हैं उस सिक्योरिटी को जो गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड करी है। रोजगार दिया है, बुजुर्गों की पेंशन 2000 की है, किसानों को पहली बार प्राकृतिक आपदा में फसल जलने पर भी मुआवजा दिया। इस बार 75 पार, अब की बार 75 पार, इस बार 75 पार, इस बार 75 पार, इस बार 75 के पार। टोहाना से, टोहाना से, टोहाना से, टोहाना से, सुभाष बराला, फिर एक बार सुभाष बराला, सुभाष बराला, सुभाष बराला, फिर एक बार। हम बेटा बराले के थे, बराले के रह के और किसी के ना है ना होते।